कौन से शहर की कमी और खामी का है। देखिए, जहाँ प्रगति यात्रा जो निकल रही है उसकी सफलता को देख कर ये बौखला गए, और क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है किसी क्रिया को प्रतिक्रिया देना, हम लोगों को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता प्रगति यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लोग भारी मात्रा में लोग उसमें अपना काम को करवा रहे हैं और सफलतापूर्वक लोग प्रगति यात्रा में लोग अपना काम को कराने आ भी रहे हैं। तो इससे बौखला के ये पोल खोल कर रहे हैं, पोल वो नगर निगम के नहीं, अपनी खुद की पोल खोल रहे हैं। क्या ये शहर सिर्फ महापौर का है, क्या ये शहर सिर्फ पार्षदों का है, क्या ये शहर नेता प्रतिपक्ष का नहीं है, क्या ये शहर उपनेता प्रतिपक्ष का नहीं है, क्या ये शहर क्या भारतीय जनता पार्टी का पार्षदों का नहीं है, ये शहर सबका है और जवाबदारी सबकी बनती है, हमारी भी जवाबदारी है, हम महापौर होने के नाते हमारी जवाबदारी है, मगर हमने शहर की जनता के लिए काम किया है, शहर की जनता के लिए काम करेंगे, जो बचे हुए काम है मैंने पहले ही कहा, जिस बात को लेकर गड्ढे हैं, जिसको मैंने खुद स्वीकार किया कि शहर में अभी हमारे काम चल रहे हैं, 24/7 का काम चल रहा है, अंडर केबलिंग का काम चल रहा है, स्वाभाविक है जब काम चलेगा तो शहर में गड्ढे तो होंगे, जब गड्ढे होंगे तो हमने ये भी कहा है कि हम 15 सितंबर तक पूरे शहर के गड्ढे को भर देंगे, तो काम कर रहे हैं तो उसमें तो लोगों को मेरे ख्याल से अभी तो अगर वो पोल खोल रहे हैं तो अपनी खुद की पोल खोल रहे हैं, हमारी पोल नहीं खोल रहे हैं। डेंगू को लेकर क्या तैयारी है, जिस तरह से बरसात के बाद डेंगू को लेकर हमारी पर्याप्त स्वास्थ्य विभाग की बैठक चल रही है, लगातार हम सक्रिय हैं, जिस तरीके से हमने पीलिया का प्रभाव को यहाँ पर रोका है उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार से हम डेंगू का भी प्रभाव को रोकने में हम कामयाब होंगे। जब भी हम अच्छा काम करते हैं विपक्ष विरोध मानती है। हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो पूरा शहर हिलता है, आप देखोगे प्रगति यात्रा में इतनी अरे यार मेरी बात बताओ, कौन सी दुर्घटना, ये किसी भी दुर्घटना को शहर की दुर्घटना से जोड़ देते हैं। देखिए, दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, ये ऐसा किसी के साथ भगवान ना करे, मगर मैंने पहले कहा कि शहर में सड़कों के काम चल रहे हैं, शहर में 24 घंटे का पानी देने का काम चल रहा है, अंडर केबलिंग का काम चल रहा है, स्वाभाविक है जब काम करेंगे तो यार कुछ तो होगा ना, पूरे शहर के केबल को हम नीचे डाल रहे हैं, हम पूरे आधे शहर में हम 24 घंटा पानी देने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ना। सामान्य सभा को लेकर किस तरह तैयारी करती है निगम, सामान्य सभा पर गड्ढे और मच्छर को लेकर ही सवाल ज़्यादा लगाया गया, करें ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तो चाहते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये 15 साल में जो चीज़ नहीं कर पाए वो सोचते हैं हम 4.5 साल में कर रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं, क्या चौड़ीकरण क्यों नहीं करा पाए, ये नहर पारा का कौन कराया चौड़ीकरण, हमने कराया चौड़ीकरण, क्यों ये लोग यहाँ पर फूल चौक का चौड़ीकरण नहीं करा पाए, कौन कराया, हमने कराया, हमारी सरकार ने कराया, भूपेश बघेल जी ने कराया, क्यों नहीं करा पाए, क्यों ये लोग ने पैसा तो लाए थे, उस समय दो कद्दावर मंत्री थे ब्रिजमोहन जी और राजेश मूणत जी, क्यों पैसा लेकर नहीं आए, उनकी सरकार थी 15 साल, अब वहाँ पर देखे धरना प्रदर्शन करके नाटक कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बात को बताना चाहता हूँ, हमारी नीयत काम करने की है और हम पब्लिक से भी इससे कनेक्ट हैं, जनता से हम जुड़े हुए हैं और अभी भी हमारी प्रगति यात्रा लगातार हम चलेगी, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का जो काम होगा वो काम को करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धि जो सभी वर्गों के लिए काम की है वो हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे।